मैं नरेंद्र कुमार होते हैं एनएम न्यूज से। आज मैं वरुण अग्रवाल भाई साहब के निवास में हूँ। उन्होंने शोक सभा यहाँ पे रखी और यहाँ पे काफी लोग आए और मैं उन्हीं से पूछता हूँ जो 14 फरवरी के दौरान जो शहीद मारे गए, अब उन्हीं के बारे में वो क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे भारत को। अब मैं रूबरू करवा रहा हूँ अपने भाई साहब वरुण अग्रवाल जी से। सर, जो शहीद मारे गए उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कल जो देश में आतंकवादियों ने जो कायराना हमला किया है, अरे मर्द के बच्चे थे तो चैलेंज देते, कार विस्फोटक लेके उड़ा दी, इसमें क्या कोई तारीफ है? अरे कल 14 फरवरी थी, तुमने जो तोहफा दिया है हमारा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, तुम्हें वो तोहफा लौटाएगा। याद रखोगे तुम पाकिस्तान वालों और जैश मोहम्मद आतंकियों, तुम्हें वो तोहफा देगा हमारा देश का प्रधानमंत्री। अब पूरी जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रधानमंत्री के साथ में है। पूरा गोला, पूरा जिला लखीमपुर खीरी, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। और हम नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं, जो भी आपको करना है आप कीजिए, हम लोग सब आपके साथ में है। इसका तोहफा जो 14 फरवरी को उन्होंने तोहफा दिया है, ये तोहफा उन्हें वापस करना है, और इतना बड़ा तोहफा वापस करना है कि हमेशा उनके पुरखे और उनके आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी कि कोई प्रधानमंत्री देश का था जिसका 56 इंच का सीना आज दिखाने की ताकत आ गई है। इनको दिखाना है 56 इंच सीने के पीछे कितने हिंदुस्तानी बाजू हैं। इसी के साथ बस एक ही चीज चाहिए, बदला बदला बदला। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। यहीं पर वरुण भाई साहब ने काफी जोश है और जोश है जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ कितना जोश है। सारा युवा चाहता है कि अब न्याय हो जाए। अब पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि हम लोग भी पीछे कहीं से नहीं, कि युवाओं में आगोश है और आगोश भी बढ़ रहा है। जैसे मैं कुछ युवा लोगों से बात करके पूछता हूँ उनके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ ये पाकिस्तानियों को घर में घुसने मारने की। मैं अपने जवान जो शहीद हुए हैं सरहद पर, जो लगातार हमारी सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, हम लोग घर में सोते हैं, और जो आज उनके साथ कल जो बर्बरता हुई पाकिस्तान के द्वारा की गई, उस बर्बरता का मैं निंदा नहीं करता हूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि निंदा अब बहुत हो गई, अब जितने भी आतंकी जिंदा हैं उन सबको एक एक कर कर चुन चुन कर करके उनको घर से निकाल कर उनको मारने का कार्य करना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान जय। और यहीं पर और भी लोगों में उन्हीं से पूछता हूँ, आप मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान वालों को आतंकियों को एक एक छोटे भाई वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। इनके अंदर इतना गर्म खून है, इन्होंने आंखों में आंसू और अंदर से दर्द इतना है कि वो कह नहीं सकते हैं। सर आप बता दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि जो अभी है निर्णय भी जल्दी ही लेना चाहिए, और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। जो हमारे 44 सैनिक मारे गए हैं इसके लिए हम सब लोग खेद प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उनका सर्वनाश बहुत जरूरी है, बहुत समय हो गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए बारिश भी आसमान से आंसू भी बह रहे हैं शहीदों की यादों में। बस कर पाकिस्तान, पाकिस्तान बस कर, तेरी हद हो गई। हम नरेंद्र कुमार।